अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लीडरशिप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे यूनिट 3, जो कि है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होती है कि जब भी कहीं भी चेंज आता है तो वो एकदम सडन हो या ना हो, तो उसको मैनेज कैसे करना, क्योंकि जब भी चेंजेस आते हैं तो लोगों के लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर उसको एक्सेप्ट कर भी लें तो उनका कल्चरल शॉक या वेरिएशंस आती हैं उनको उस चीज़ को अडॉप्ट करने में या उसको फर्दर फॉलो करने में। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि चेंज क्या है, चेंज के टाइप्स क्या है, चेंज के डिफरेंट थ्योरीज क्या है, लेवेंस थ्योरी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, चेंज रेजिस्टेंस को डील करने की टेक्निक्स क्या है, और हम स्किल्स पढ़ेंगे कि चेंज एजेंट्स के अंदर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले चेंज क्या है। चेंज लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिग्निफिकेंट डिस्टरप्शन, ट्रांजिशन और अदर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज लीडरशिप ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, किस तरह लीड करते हैं, उसके अंदर चेंजेस लाकर, उसके पहले वाले तरीकाकार ख़त्म कर कर, या जो पहले वाले तरीकाकार चल रहे हैं उनको ट्रांजिट करके उनमें मॉडिफिकेशन ला के, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को और बेहतर कर सके। ये मैंने दो डेफिनेशन दी है, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। और वो चेंज आता कैसे है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, और उस चेंज के लिए हमें ग्रोथ ग्रोथ माइंड की जरूरत होती है, कि हमारे पॉजिटिव माइंड हो, पॉजिटिविटी हो, और हमारे अंदर उसके लिए एंथुसिएस्टिक हो, हम उसके लिए कॉन्फिडेंट हो कि यस वी आर रेडी फॉर इट। तो चेंज लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, जब चेंज लीडरशिप की बात करते हैं तो उसमें होता है हमारी थिंकिंग आती है कि हम बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, हम ऑनगोइंग चेंज के बारे में सोच रहे हैं, हम स्किल बेस्ड सोच रहे हैं, और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिव है कि हमने इस तरह रिस्पॉन्स करना है। जबकि मैनेजमेंट इज़ द एक्शन, इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, अपने प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, और हम इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम उस मेथड को फोकस करते हैं कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं क्या वो बेहतर है या नहीं है। ये नीचे कुछ मैंने और स्ट्रैटेजी बताई है कि चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको टीम वर्क चाहिए, आपको विजन चाहिए, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसका सोल्यूशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए होती है, आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और कम्युनिकेशन, और आपका गोल चाहिए होता है कि हमने क्या गोल अचीव करना है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं चेंज के, जिनमें स्ट्रैटेजिक चेंज है। स्ट्रैटेजिक चेंज क्या होता है कि ऐसा चेंज जिसमें हम स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, मतलब अपनी पॉलिसी, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, इन सबको बेहतर करते हैं। पीपल सेंट्रिक चेंज क्या होता है, पीपल सेंट्रिक चेंज वो चेंज होता है इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूटिंग न्यू पैरेंटल लीव पॉलिसीज, मतलब कि हम लोगों को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को अपडेट करते हैं या ख़त्म करते हैं कि क्या हमें यह चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, इससे बेहतरी आएगी नहीं आएगी। स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज भी होता है कि हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे टीम मेम्बर्स हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमें मॉडिफाई करना है या नहीं करना है, अपनी नई हायरार्की डेवलप करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलनी है या नहीं। टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है जिसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्न करते हैं, जैसे पहले आप लोगों ने लेक्चर लेते थे व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड यूज़ होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास ये डिजिटल बोर्ड्स आए, फिर आप लोगों के पास प्रोजेक्टर्स आए, फिर आप लोगों के पास ये लैपटॉप, फिर ऑनलाइन ODL, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग वगैरह स्टार्ट हुई। तो दिस इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अनप्लान चेंज होता है वो आपको सडन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्लान होता है कि भाई कॉलेज में सुबह फंक्शन है, लेकिन शाम को वो फंक्शन नहीं होता, कैंसिल हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, उसे अनप्लान्ड कहते हैं। रिमीडियल होता है जो हम सॉल्यूशंस के लिए करते हैं, अगर मैं एक चीज़ बार बार दे रही हूँ उससे हल नहीं निकल रहा तो मैं कोई और चीज़ अपनी इंट्रोड्यूस कराऊंगी ताकि जो हल है प्रॉब्लम का वो निकल सके। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज क्या होता है, जिनमें हम चेंज दैट रेडिकली एंड फंडामेंटली आल्टर द कल्चर, कोर वैल्यूज एंड ऑपरेशंस, कि मतलब हम एक चीज़ जड़ से बाय रूट हम उसे चेंज कर रहे हैं। ट्रांजिशन के मतलब एक चीज़ से दूसरी नई चीज़ में मॉडिफाई होके हम उसमें मूव कर रहे हैं, डेवलपमेंटल, जो हम अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज को न्यू तरीके से इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके। द मोस्ट कॉमन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है लेवेंस थ्योरी है। लेवेंस थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं कि ये बंदा लेवेंस था जिसने ये कहा था कि जब भी चेंज लाइए होता है आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, एक अनफ्रीजिंग, एक मूविंग, और रिफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग क्या होती है, एक ऐसा मूवमेंट आता है आपके पास जब क्या होता है कि आपकी जो चीज़ है वो बदल नहीं पाती, मतलब लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं होते, तो आपको ज़रूरत होती है उसको बदलने की। उसको बदलने की कैसे ज़रूरत होती है, आप उनके बिहेवियर को, सब चीज़ों को आप जज करते हो, फिर देखते हो क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, और उसको आप बदलते हो। उसके बाद मूविंग है, फिर आप उस बदलाव की तरफ जाना शुरू होते हो, और जब बदलाव आ जाता है तो रिफ्रेज होता है कि आपने दोबारा वो बदलाव उनके अंदर फिक्स करना होता है। तो आपने ये याद करना है, ये उसके फर्दर पॉइंट्स है कि अनफ्रीजिंग में क्या क्या आता है, कि आपने नीड चेंज के लिए नीड देखनी है, आपने डिटरमिन करना है चेंज कैसे होता है, फिर आपने रिप्लेसमेंट देनी होती है बिहेवियर की, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देनी होती है,
चेंज के अंदर आके आपने प्लान करना होता है, इंप्लीमेंट, और उसके बाद आपने रीइंफोर्स करना होता है। जब भी पेपर आएगा आपने ये लिखना है और सारे साइकिल लाजमी। बट में अगर चेंज लाना है तो आप किस तरह लाओगे? मेन चीज के आप उसकी चेंज नीड देखोगे, फिर उसके लिए एलिमेंट्स देखोगे कि मुझे किस किस चीज को बदलना है, फिर उसके लिए प्लानिंग करोगे कि मैं कौन सा चेंज लाऊं जो इफेक्टिव होगा, फिर उसके लिए आपको फोर्सेस कौन कौन से चाहिए, मतलब कैसी पावर चाहिए, किसके थ्रू कराना है, फिर उसके लिए आप ये तीन पहलूस में अप्लाई करते हो कि अनफ्रीजिंग लोगों की सोच बदलना शुरू करते हो, चेंजिंग उसको उस तरफ आना शुरू होता है, रिफ्रेजिंग, फिर नए जनरेटेड आइडियाज को उनके अंदर इंडल्ज करते हो, और फिर उस पर आप लोगों का रिव्यू और फीडबैक लेते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है चेंज के लिए? चेंज लाने के लिए आपको हमेशा पहले नीड की जरूरत होती है कि क्या इसकी अर्जेंसी नीड है या नहीं है, क्या इसके लिए क्रिएट द गाइडिंग कोएलिशन आप लाते हो, मतलब एक ऐसा ग्रुप अरेंज करते हो जिसमें इतनी पावर हो कि वो लोगों को चेंज की तरफ ले जा सके। मतलब आपने घर में भी कोई चेंज लाना है तो आप सबसे पहले अपने अम्मा या अब्बा को कहते हो। अम्मा अब्बा को क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो चेंज के लिए वो एग्री होंगे तो चेंज आ सकता है। फिर आपने अपना विजन डिवेलप करना था कि आपका पुराना विजन आपको फुलफिल नहीं कर रहा था, आपका नया लॉन्ग टर्म विजन आ गया है, फिर आप उस विजन को कम्युनिकेट करते हो और उस पर आप अपनी इस टीम के साथ कम्युनिकेट करते हो, क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ हम इस तरह का जो है बिहेवियर, मुझे इस तरह की हेल्प आउट मिलेगी, हम मिलके काम करेंगे या नहीं, फिर आप उस पर काम एम्पावरिंग एक्शन काम स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद आपको जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलती हैं फिर आप उसके फायदे नुकसान और उस देखते हो और उसके लिए मोर चेंजेस की रिक्वायरमेंट करते हो और फिर नई अप्रोचेस इनकॉर्पोरेट कर देते हो कि हाँ ये चेंजेस मुझे फायदा दे रही है या नहीं दे। अब आपके पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है कि जो हमने अभी पढ़ा अनफ्रीजिंग, कुछ लोग अनफ्रीजिंग पर अटक जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं बदलेंगे, तो उसको कैसे बदला जा सकता है? आपको उसको बेनिफिट समझा कि इसका ये फायदा है ये नुकसान है, अब जमाना बदल गया हम इसके साथ चलना पड़ेगा नहीं तो बहुत सारे लॉस होंगे, फिर कंपैटिबिलिटी देखते हो कि आप जो चेंज ला रहे हो क्या वो वाकई एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ और जो नई हम वैल्यू सोचे उनके साथ कंपैटिबल है, दोनों के ज्यादा शॉक तो नहीं ला रहा, ज्यादा वेरिएशन तो नहीं ला रहा हमारे बिहेवियर, फिर कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखनी कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है चेंज, ईजी है क्योंकि जितना ईजी होगा लोग उतना फॉलो करेंगे, फिर आप उसमें ट्राइबिलिटी लाते हो, ट्राइबिलिटी होता है कि आप लोगों कहते हो एक बार ट्राई तो करें, कोशिश तो करें, अगर कोशिश सही रहती है तो फिर हम आगे जाएंगे नहीं तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। कुछ ये हैं आपके पास, और कुछ इसके अलावा आपने जो कि आपको 1979 से 2080 तक जो यूज हो रही थी, कॉटर की, ओस्पर्न की, हंट की, उसमें है कि आपके अच्छी कम्युनिकेशन हो, आपकी वेल एजुकेशन हो, क्योंकि जब तक आप वेल एजुकेटेड नहीं होगे आपको अपडेट्स दुनिया में जो अपडेट्स चल रही हैं वो नहीं पता होंगी, आपकी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट अच्छी हो, आप लोगों को लीड कर सकते हो, आप फैसिलिटेशन और सपोर्टिव हो, निगोशिएशन आप दूसरों को जो है निगोशिएट करो, निगोशिएट क्या होता है कि अपनी बात मनवा लेना, जैसे आप कपड़े खरीदती हैं आप कहती हैं नहीं ये 12,000, दुकानदार कहता है नहीं ये 13,000, तो बात खत्म होती है 12,500 रुपये की, ना आपकी ना मेरी, दिस इज निगोशिएशन। उसके बाद मैनिपुलेशन होती है कि आप किस तरह मैनिपुलेट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों को, किस तरह इम्प्लिसिट चेंजेस ला रहे हो, और अगर आपने वो इम्प्लिसिट किस तरह करना है कि आपने लोगों को अथॉरिटी से चेंजेस लाने हैं या फिर आपने बातचीत से ही आपका मसला हल हो, तो ये स्ट्रेटेजीज अगेन रिपीट की गई हैं कि आपको यूज करनी आनी चाहिए ताकि आप लोगों में चेंजेस ला सके। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक एजेंट में होनी चाहिए ताकि वो चेंजेस ला सके? ये है लीड एंड इन्फ्लुएंस, अदर के उसके अंदर लीडिंग पावर्स हो, उसके अंदर चेंज को रिस्पॉन्स करने की पावर हो, उसके अंदर बिल्डिंग पावर हो, मतलब कि दूसरों में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, कम्युनिकेशन अच्छी हो, ट्रस्ट बिल्ड कर सके, उसमें ओवरकम कर सके अगर ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, रियल लॉन्ग टर्म सेट कर सके, टीम को होल्ड कर सके और क्रिएटिव हो। अगर एक इस तरह की क्वालिटी नहीं होगी एक अच्छी चेंज लीडर में तो वो चेंज नहीं ला सकता। आज का हमारा जो टॉपिक था वो चेंज के बारे में था, चेंज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, थ्योरी क्या है, वर्ड में चेंज किस तरह ला सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज चाहिए, रेजिस्टेंस को किस तरह रोक सकते हैं और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक चेंज एजेंट के अंदर। आई होप कि समझ आएगा। इन केस ऑफ क्वेरी आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।